हेलो एवरीवन हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन भी हो गया आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर फाइव में डिफाइन किया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर फाइव में डिफाइन किया है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग लिखित में दूसरा अनकंडीशनल ऑर्डर अनकंडीशनल ऑर्डर तीसरा साइन बाई मेकर जो बनाएगा उसका साइन चाहिए उसका साइन लगेगा तीसरा साइन बाई मेकर है और चौथा क्या है डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन लास्ट में टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट शुड बी फिक्सड अमाउंट शुड बी फिक्स अमाउंट शुड बी फिक्सड डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन एंड लास्ट to pay certain sum of money to whom to a certain person या फिर order में देना या फिर बियर को जो hold करेगा उसे देना जो hold करेगा उसे hold करेगा उसे देना अब हम लोग difference पे आ जाते हैं promissory note हम लोग पढ़ चुके हैं bills of exchange पढ़ चुके हैं अब इन दोनों के difference में आते हैं difference में हम लोग ये पढ़ेंगे कि promissory note section फोर में आता है सबको मालूम है प्रोमिसरी नोट सेक्शन फोर में आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन फाइव बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन फाइव में डिफाइंड है प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल है लेकिन अंडरटेकिंग नहीं ऑर्डर तीसरा मेकर इज पेयर प्रोमिसरी नोट में मेकर क्या है पेयर यानी कि जो उसको बनाता है वो बायर है पेयर मीन्स जो पे करेगा कौन पे करता है जो खरीदता है सामान कौन खरीदा बायर तो मेकर इज पेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है सेलर बनाता है मेकर इज पेई पेई क्या होता है जिसको पैसा मिलेगा कौन होता है पेई जिसको पैसा मिलेगा वो बनाता है बायर को देता है बायर एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट करके रिटर्न करता है किसको सेलर को इसलिए मेकर इज पे चौथा लाइबिलिटी ऑफ मेकर प्रोमिस नोट में लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड ऑब्सोल्यूट जो बनाया है उसको पैसा देना पड़ेगा वो प्राइमरी है सबसे पहले उसी को पैसा देना है और फिक्स है भाई वही उसी को ही देना है प्राइमरी एंड ऑब्सोल्यूट लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो, जो बनाता है उसका लाइबिलिटी क्या है fierce, मेकर लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज सेकेंडरी लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल कैसे सेलर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया बायर को दिया बायर ने एक्सेप्ट किया बायर ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके रिटर्न किया सपोज मेकर जो कि सेलर था उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को किसी को इंडोर्स कर दिया किसी को इंडोर्स कर दिया या फिर अपने पास से रिटेन करके कर रख रह रहा है लेकिन उसका लाइबिलिटी कब जब वो इंडोर्स करेगा अगर मैं पैसा नहीं देता हूं जिसको उसने इंडोर्स किया तब वो आदमी सेलर के पास जाएगा और बोलेगा सर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिजोनर हो गया आप हमको पैसा दीजिए नाउ यू आर लाइबल बट कब सेकेंडरी दिस इज सेकेंडरी प्रोसेस और कंडीशनल है मैं अगर नहीं दूंगा मैं अगर नहीं दूंगा तो सेलर देगा तो उसका लाइबिलिटी क्या है सेकेंडरी एंड कंडीशनल पांचवा कैन नॉट बी ड्रॉन इन सेट प्रोमिसरी नोट सेट्स में नहीं बनते हैं एक ही बनता है सेक्शन फाइव बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेट्स में बन सकता है कभी कभी तीन भी बन जाते हैं आदमी बना के रख लेता है और लास्ट में आखिरी पॉइंट प्रोमिसरी नोट में नो नोटिस ऑफ डिजोनर इज रिक्वायर्ड बायर बनाया है उसको पता है कि कब डिजोनर हो रहा है एक ही आदमी है लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नोटिस रिक्वायर्ड नोटिस इज रिक्वायर्ड देना पड़ेगा हां भाई आप जो इंडोर्स किए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिजोनर हो गया लेकिन प्रोमिसरी नोट में नॉट रिक्वायर्ड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में और चेक के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है चेक चेक सेक्शन सिक्स में डिफाइंड है चेक सेक्शन सिक्स में डिफाइन है सेक्शन सिक्स चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर अब यहां जान लीजिए कि हम लोग प्रोमिसरी नोट प्रोमिसरी ऑफ नोट एक्सचेंज किसी पर्टिकुलर आदमी पे बना सकते हैं लेकिन चेक जो है वो सिर्फ एक बैंकर के ऊपर बनता है चेक सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंक के ऊपर बनता है ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर तीसरा पेबल ऑलवेज ऑन डिमांड चेक हमेशा डिमांड पे पेबल है चेक हमेशा डिमांड पे पेबल है जब डिमांड होगा तब इसमें कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता है कि इतना दिन बाद ये मेच्योर्ड होगा नहीं आप जब मांगेंगे तब क्लियर होगा लास्ट इंक्लूड, इंक्लूड ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रिक फॉर्म ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रिक फॉर्म क्या होता है चेक जब आता है बैंक में और उसे क्लियर कर देते हैं लेकिन अगर मान लो बाद में उसे चेक करते हैं और वो गलत होता है क्लियर करके हम लोग ट्रंक में डाल देते हैं क्लियर करके हम लोग ट्रंक में डाल देते हैं तो जब हम लोग उसको बाद में इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी सेव कर लेते हैं चेक करते वक्त वही होता है जो चेक हम लोग आता है उसको क्लियर करते हैं ट्रंक में डाल देते हैं है या फिर उसको एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में चेक करने के लिए स्टोर करके रखते हैं तो एक चेक ही एक चेक ही ट्रंकेटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है उसी को बोल रहा है यहां पर उसके बाद आते हैं हम लोग डिफरेंस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के डिफरेंस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के डिफरेंस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन में डिफाइंड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन ऑन एनी बॉडी किसी के ऊपर बनाया जा सकता है चेक कैन बी ड्रॉन ओनली ऑन स्पेसिफाइड बैंकर किसी बैंक के ऊपर ही बनेगा नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन नंबर थ्री ज मैच्यूरिटी पे पेबल है चेक पेबल ऑन डिमांड चेक डिमांड के ऊपर पेबल है चौथा थ्री डेज इज अलाउड जैसा ग्रेस डे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तीन दिन का ग्रेस डे मिलता है. कि आज में grace day मिला है तो आप तीन दिन बाद पेमेंट कर सकते हैं उसी को तीन दिन बाद हम लोग और मैच्यूरिटी डेट में वो काउंट हो जाता है लेकिन चेक में ऐसा नहीं है नो ग्रेस डे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर स्टैंप स्टैंप चाहिए लेकिन चेक को कोई रेवेन्यू स्टैम का जरूरत नहीं है नंबर सिक्स नो कंसेप्ट ऑफ स्टॉप पेमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नो कंसेप्ट ऑफ स्टॉप पेमेंट चेक में चेक पेमेंट कैन बी स्टॉप हम लोग उसको रोक सकते हैं कॉल करके कि पेमेंट स्टॉप कर दो भैया लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता नंबर सेवन नो कंसेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ बिल हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं कर सकते अब क्रॉसिंग ऑफ बिल्स क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आगे लेते हैं उसको। लेकिन चेक क्या होता है नंबर नाइन बिल कैन बी ड्रॉन इन सेट बट चेक सेट में, no में नहीं बनता है एक ही बनता है बोस वो एक ही बैंक में जमा करना है उसी के ऊपर है नंबर एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड सेलर बनाया बायर को भेजा बायर एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो वैल्यूबल है तभी उसका वैल्यू है अदरवाइज वो एक कागज का टुकड़ा है लेकिन चेक क्या है नो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड साइन किया फारा दे दिया डन वैल्यूबल हो गया इसके ऊपर पैसा मिल जाएगा अब क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद